हेलो गाइस, अभी अपन ट्रांसफार्मर पढ़ रहे थे। ट्रांसफार्मर के कुछ पार्ट्स को अपन डिस्कस कर चुके हैं, है ना। और पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने होमवर्क में एक क्वेश्चन दिया था, वो थी ट्रांसफार्मर की टैपिंग। ट्रांसफार्मर की टैपिंग क्या होती है ना, जो कि मैंने आपको बताया नहीं था। इसके बारे में आप थोड़ा सा पॉइंट लिखो, ये बोला गया था आपको, और कन्वर्टर टैंक दिया था। कन्वर्टर टैंक के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, ट्रांसफार्मर की टैपिंग क्या होती है, इसके बारे में आप लोगों ने लिखा। एक बार मैं इसको आप अपने तरीके से आप लोग को बताता हूँ सबसे पहले, ठीक है। ट्रांसफार्मर की जो टैपिंग होती है, इसको एज अ पार्ट ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांसफार्मर की टैपिंग क्या है, उसका वर्किंग है, और उसमें जो पार्ट रहता है उसको, उस पार्ट को बोला जाता है टैप चेंजर, जहाँ से ट्रांसफार्मर की टैपिंग की जाती है, ठीक है। अब टैपिंग तो आप लोगों ने बताया, लिखा है कि टैपिंग होता क्या है और क्यों यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब मैं इसको प्रैक्टिकली आप लोग को बताता हूँ कि एक्चुअल में टैपिंग का यूज़ कब होता है, ठीक है। चलो देखते हैं पहले कि टैपिंग क्या होता है। टैपिंग मतलब होता है कि ट्रांसफार्मर में जानते हैं अपन कॉइल होता है, फर्स्ट एक प्राइमरी कॉइल होता है और सेकंड सामने साइड होता है सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये एक कनेक्शन हुआ यहाँ से, ठीक है, ये पहला मान के चलो इसको, और इसको ज़ीरो मान के चलते हैं, ठीक है। यहाँ से एक हो रहा है, यहाँ से एक, तो सप्लाई निकल रहा है। अगर मेरे को इतने, ये जो टर्न्स है, इसमें से टर्न बोला जाता है ना इसको, जो घुमावट है इसका, इसको जो वाइंडिंग किए हैं, लपेटे हैं, उसको क्या बोला जाता है, टर्न बोला जाता है। अगर इस टर्न में से यहाँ से ना निकालने के बजाय मैं यहाँ से निकाल दूँ पॉइंट, ठीक है, और इसके अलावा और कोई दूसरे जगह से दूसरा पॉइंट ले लूँ, तीसरा पॉइंट ले लूँ, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, इस जो ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग, यहाँ से क्या कर रहा हूँ, मैं सप्लाईज निकाल रहा हूँ बीच बीच से, बीच बीच से, है ना, उसको टैप बोलते हैं, ठीक है, टैप कर रहे हैं। तो इसी को क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर के एज अ पार्ट भी क्या लगा देते हैं, एक रेगुलेटर जैसा कुछ लगा दिया जाता है, ठीक है, जिसमें दांते बने होंगे, जैसा भी होगा, है ना। वो क्या करता है, अलग अलग में सेट करने से क्या होता है, अलग 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 टैप में वो सेट होता है। ये एक पार्ट कहलाता है ट्रांसफार्मर का, टैप चेंजर बोला जाता है जिसको। चलो अब टैप चेंजर का काम क्या है ये देखते हैं, इसको क्यों यूज़ किया जाता है। बड़े ट्रांसफार्मरों में ऐसा होता है कि हमारी जो लाइन आ रही है कहीं से, ठीक है, लाइन अगर कहीं से आ रही है, वो जितनी की भी लाइन होगी, ट्रांसफार्मर में जाने के बाद वो बन जाती है 220 केवी की, ठीक है। 220 किलो वोल्ट का अपने को क्या देगा, वो 220 किलो वोल्ट का क्या देगा, अपने को आउटपुट देगा, मान के चलो ये 400 केवी आ रहा है इसमें, तो ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो कि 400 केवी को 220 केवी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब ऐसा कुछ होता है कि हमारे यहाँ ये 400 केवी जो है, वो हो सकता है 410 आ रहा होगा, किसी कारणवश 410 आ रहा होगा, तो ये क्या होगा, 220 जो है वो 222 देने लगेगा, ठीक है। 220 जो है अब क्या दे रहा है, 222 हो गया है। वोल्टेज जो है वो बढ़ सकता है, ऐसा पॉसिबल है अपने आप ही, रेजिस्टेंस की बहुत दिनों तक अपन का वायर जो है वो ज़्यादा रजिस्टिव हो रहा है, हीट हो जा रहा है, और किसी दूसरे कारणवश, बहुत सारे कारण हैं इसके, ये आगे डिस्कस करेंगे अपन, क्यों वोल्टेज जो है ऐसा बढ़ जाता है ना। तो वोल्टेज जो है बहुत दिन तक वायर लगे होने के कारण, या पास पास वायर लगे होने के कारण, कई कारणों से इसमें वोल्टेज में चेंजेस आ जाता है, और एक छोर पर वोल्टेज का जो मान है वो कभी कभी बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब क्या हो गया है, हमारा जो वोल्टेज आ रहा है 410 आ रहा है, और यहाँ पे 220 बता रहा है। अब कैसे करें इसको सॉल्व करने के लिए, क्या किया जाएगा कि ट्रांसफार्मर में टैपिंग कर दी जाएगी, छोटे छोटे रेशियो में क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर की टैपिंग की जाती है, और क्या किया जाता है कि यहाँ पे टर्न्स को कम कर देंगे, ठीक है। यहाँ से मान के चलो कि अगर ये यहाँ पर 220 आ रहा था,
यहाँ पे 222 आ रहा था, सॉरी यहाँ पे अगर 222 हो गया है इस एक वाले पे, तो अपन क्या कर देंगे, टर्न को कम करके यहाँ पे रख देंगे, इस स्टेप चेंजर की सहायता से टर्न को कम करके यहाँ पे रख देंगे, जिससे क्या होगा कि अब देखते हैं कि हमारा जो वोल्टेज जो मिलना चाहिए अब 220 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या काम आया, यहाँ पे टैप चेंजर काम आया, जो कि उसने क्या किया, इस जो इसमें जो वाइंडिंग की जो टर्न्स है ना, उसको क्या कर दिए अपन 20 से टैप करके क्या कर दिए हैं, एक वैल्यू पे सेट कर देते हैं, जिससे कि ये जो वैल्यू है जो कि होनी चाहिए, एक्चुअल वैल्यू 220 होनी चाहिए थी, वो बढ़ गई थी, उसको अपन क्या कर दिए फिर से उस टर्न के अकॉर्डिंग उसको कम कर देते हैं इस टैप चेंजर की सहायता से। तो ये होता है टैप चेंजर। ठीक है, वोल्टेज के वैल्यू कभी कभी कम ज़्यादा हो जाता है, इसको सेट करने के लिए, जीरो करने के लिए, उस एरर को जीरो करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये होता है टैप चेंजर। चलो अब लगभग मैंने सारे जो ट्रांसफार्मर के ऊपर के पार्ट्स हैं उसको बता दिए हैं। एक अगला चीज मैं आज चालू करने वाला हूँ, वो होता है, सुने होंगे इसका नाम होता है ऑटो ट्रांसफार्मर। ये ऑटो ट्रांसफार्मर होता क्या है? ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर क्या है? ऑटो ट्रांसफार्मर जो है वो जनरली यूज़ किया जाता है सब स्टेशनों में, ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़ होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर को भी पावर ट्रांसफार्मर बोला जाता है, या फिर यह बोला जा सकता है कि पावर ट्रांसफार्मर का क्या है, ये एक प्रकार है ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, अच्छा अब ये ऑटो ट्रांसफार्मर होता क्या है? ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें एक ही कॉइल हो, ओनली वन कॉइल इज प्रेजेंट। ठीक है, तो उसको बोला जाता है ऑटो ट्रांसफार्मर, जिसमें एक ही कॉइल होता है, प्राइमरी भी उसी से निकलता है और सेकेंडरी भी उसी से निकलता है, उसको बोला जाता है ऑटो ट्रांसफार्मर। जैसा कि दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं हमारे पास, एक को बोला जाता है स्टेप अप, ठीक है, और दूसरे को बोला जाता है स्टेप डाउन। अब हम जानते हैं कि स्टेप अप करने के लिए प्राइमरी वाइंडिंग का जो घुमाव होता है, टर्न्स की संख्या वो कम होगी, और सेकेंडरी वाइंडिंग की जो घुमाव की संख्या है वो बहुत ज़्यादा होगी, जिससे क्या होगा कि प्राइमरी में जितना देंगे उससे यहाँ पे बढ़ के मिलेगा हमको वोल्टेज। ठीक है, प्राइमरी में जितना भी वोल्टेज होगा उससे हमको यहाँ पे बढ़ के मिलेगा। और स्टेप डाउन में क्या होगा, स्टेप डाउन में इसकी जो टर्न्स की संख्या होगी वो ज़्यादा होगी और सेकेंडरी की टर्न्स की संख्या होगी कम होगी, जिससे कि यहाँ पे जो वोल्टेज की वैल्यू है ज़्यादा होगी और यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू कम होगी। तो इसको स्टेप अप बोला जाता है और इसको स्टेप डाउन बोला जाएगा। ठीक है, सेकेंड वाले को स्टेप डाउन बोला जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि दोनों में दो कॉइल का जरूरत पड़ रहा है। अब ये ऑटो ट्रांसफार्मर को इसी कारण बनाया गया है ताकि इसमें जो है दो कॉइल का जो काम है वो कम हो जाए। तो ऑटो ट्रांसफार्मर में स्टेप अप और स्टेप डाउन कैसे होगा ये देखते हैं। तो इसका दो डायग्राम से मैं समझाता हूँ क्लियर। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ऑटो ट्रांसफार्मर जो है वो एक ही कॉइल से काम करता है। ठीक है, अब ये देखेंगे कि एक ही कॉइल में स्टेप अप स्टेप डाउन कैसे पॉसिबल है। ठीक है, एक ही कॉइल में स्टेप अप स्टेप डाउन कैसे पॉसिबल है। एक साइड में बना देता हूँ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और एक साइड स्टेप अप के लिए बताता हूँ। ठीक है, मैंने वो क्या बोल रहा हूँ, ध्यान रखना हमेशा इस चीज़ को कि ऑटो ट्रांसफार्मर में सिर्फ एक ही कॉइल होगा, सिर्फ एक कॉइल होगा, है ना। तो दोनों में कॉमन क्या है, स्टेप अप या स्टेप डाउन हो उसके लिए क्या चाहिए अपने को, एक कॉइल का ज़रूरत है। ठीक है, मान के ये चलना कि दोनों जो है वो क्या है, सेम टर्न है दोनों का। ठीक है, अब क्या देखते हैं, इस टाइप का जो अरेंजमेंट रहता है उसमें क्या रहता है, नीचे साइड को क्या लेते हैं, न्यूट्रल लेते हैं, है ना, नीचे साइड को न्यूट्रल लेते हैं। तो ये दोनों कॉइल को क्या कर दिए अपन, एक बना रहे हैं, मतलब क्या होगा, न्यूट्रल जो है वो एक बराबर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, प्राइमरी साइड के लिए, इसको प्राइमरी मानते हैं तो प्राइमरी के लिए और इधर को सेकेंडरी बोलेंगे,
न्यूट्रल को क्या कर दिया अपन, कॉमन लेंगे। अपने को बनाना है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, मतलब इधर पे बहुत ज़्यादा वोल्टेज आना चाहिए और इधर पे वोल्टेज कम हो जाना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ तो जैसा का तैसा पूरे पूरे कॉइल का यूज़ करेंगे, ठीक है। पूरे पूरे कॉइल में क्या करेंगे, स्टेप डाउन जो वोल्टेज है, स्टेप अप जो वोल्टेज है, प्राइमरी वोल्टेज जो बोलना चाहिए, जो प्राइमरी वोल्टेज है उसको पूरा पूरा देंगे। अगर ये प्राइमरी वोल्टेज 200 वोल्ट है, ये मान के चलते हैं, मान के चलते हैं। अब स्टेप सॉरी सेकेंडरी साइड क्या करेंगे, इसकी टैपिंग कर देंगे इस वाले कॉइल की आधे में, अगर आधे में करते हैं, अगर इसकी टैपिंग आधे में करते हैं, ठीक है, टैपिंग कर देते हैं, तो क्या होगा कि अगर ये 200 वोल्ट पूरे कॉइल का वोल्टेज है तो आधे का कितना होगा, 100 वोल्ट, कॉमन सी बात है। और अगर और इससे कम करूँगा तो, अगर इसके इन दोनों का आधा करूँगा तो 50 वोल्ट, ठीक है, और इससे कम करता हूँ तो 25 वोल्ट, ठीक है। मतलब मैंने एक ही कॉइल में क्या कर दिया है, अब स्टेप डाउन कर रहा हूँ अलग अलग वोल्टेजेस में। मेरे को 12 वोल्ट चाहिए तो मैं 12 वोल्ट के हिसाब से उसका कॉइल का अमाउंट को निकालूंगा, 25 वोल्ट चाहिए तो 25 के हिसाब से निकालूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या काम करता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर काम करेगा, ठीक है। अब सेकेंडरी साइड अलग, दूसरा साइड देखते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए। तो स्टेप अप में भी सेम कहानी है जो इधर यूज होता है, कि क्या होगा अगर हम लोग इसको 100 वोल्ट दे रहे हैं, उसके आधे में अगर 100 वोल्ट डालते हैं प्राइमरी साइड में, ठीक है, तो उसके पूरे में कितना मिलेगा अपने को, 200 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। और अगर टर्न को बढ़ाते हैं, या फिर अगर इस इन दोनों के बीच में यहाँ पे अगर निकालते हैं तो कितना मिलेगा, ये 100 वोल्ट है, और इन दोनों के बीच में अगर यहाँ पे अगर निकालेंगे, इसके और इसके बीच मध्य से निकालते हैं तो कितना आएगा, 150 वोल्ट। मतलब जितना भी है वोल्टेज वहाँ से क्या हो रहा है, हमारा वोल्टेज बढ़ सकता है एक ही कॉइल के माध्यम से। आप देख रहे हो एक ही कॉइल के यूज़ करके इसमें क्या हो रहा है, स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाया जा सकता है। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर को बोला जाता है ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है। ऐसा चलो आप लोग के लिए होमवर्क दे देता हूँ मैं कल के लिए। तो आपका होमवर्क है, अभी सबसे पहले आपको लिखना है रेडिएटर के बारे में, बता चुका हूँ रेडिएटर के बारे में लिखना है, और दूसरा एक वो लिख लो, फिर इसके बारे में इसका वर्किंग देखेंगे, फराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। हिंदी में इसका नाम है फराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत आपको लिखना है 4-5 लाइन में जैसा भी, और रेडिएटर के बारे में बताना है, ठीक है। ये आप लोग के लिए होमवर्क है, और होमवर्क को जल्दी से जल्दी जमा किया करो, और कोशिश किया करो कि होमवर्क जो है वो ज़्यादा लेंदी ना हो, ज़्यादा बड़ा मत बनाना, जो लिखना है जो बातें हैं आपको वो थोड़ा कम लाइनों में कंप्लीट, जैसा भी आपको मन करता है, बाकी कोशिश करना कि कम लाइनों में कंप्लीट करें, आप लोग के लिए भी आसानी है। अच्छा, और होमवर्क को जमा करना ज़रूरी है, और है ना, होमवर्क लिखते रहो, कंटिन्यू रहो, ठीक है। चलिए।